सफीदों में सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी प्रत्याशी बच्चन सिंह आर्य के समर्थन में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारें केवल अपने परिवार तक ही सीमित थी। वहीं उन्होंने अपने 5 साल की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि हमारी सरकार ने विकास को बढ़ावा दिया है। कहा कि 2.5 करोड़ जनता को हमने अपना परिवार माना है। इनके यहां राष्ट्रीय पार्टी के नाते कांग्रेस का अगर तुलना करो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही फैसला नहीं हो रहा कौन होगा कौन नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उखड़ गए, नहीं नहीं मैंने नहीं, मैंने नहीं रहना राष्ट्रीय अध्यक्ष, बदलो। कोई बिना गांधी परिवार का नॉन गांधी परिवार का अध्यक्ष आना चाहिए, लगे टॉर्च लेके ढूंढने सारे देश में। 3 महीने ढूंढते रहे, इनको कोई अध्यक्ष नहीं मिला अपने घर से बाहर। और आखिर कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया, किसको बनाया? सोनिया गांधी को। हमने आने के बाद भाई बहनों इन सब एजेंटों को, दलालों को, बिचौलियों को इनके धोले कपड़े उठा करके खुट्टी पर टंगवा दिए। भाई बहनों अब कोई आता है आपके पास बिचौलिया कि मैं आपके काम करा के लाऊंगा? कभी कोई मिलता है? नहीं आता है।